ये मेरे बताओ इतनी हम आगे हैं ए लवारी है बाढ़ी की कम हो ही कथा कम हो के कोई लक्षण कोई उपाय दिखत है नहीं कम हो दादा ए लवारी है बाढ़ी आदमी है ज्यादा लबरा हुआ चाहिए तो बोला रोके के फिर उपाय बताओ तुम एक घंटा राम राम कबे राम 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 एक घंटा तो एक घंटा ते झूठ नहीं बोले कहा बोले सच बोले राम मने सच कि झूठ राम राम के है मने सच बोले और रावण रावण कबे ते झूठ बोला था राम राम के है तो सच बोले और सच बोले के मतलब राम राम एक घंटा बोले तो एक घंटा ते है सच बोले लवारी नहीं बोले इसने एक घंटा में एक घंटा कुर्ती लवारी खत्म हुई दो घंटा राम राम कवे दो घंटा की लवारी खत्म तीन घंटा राम राम कवे तीन घंटा की लवारी खत्म चार घंटा राम राम कवे चार घंटा की लवारी खत्म चौबीस घंटा राम राम कवे चौबीस घंटा की लवारी खत्म यावर राम जय ये उपाय में सोचे हम यही बोला पसंद आते कि नहीं आते चार सौ काम में बोला असर लागत है लाई डिग्री अते गिरखा जलन बार गए नहीं माई लोग मन में आज के जमाना में पता भाई नहीं ये आपसी बात है जन समझ हुए कोई हंसी उड़ाए बल खास से बात नहीं कैसे ओहो मैं देखो नहीं दुनिया जला से किसी दिख से बोला सब जला सुधा कोनो कम चला से कोनो ज्यादा चला से कोनो गुंगू आवाज कोनो अबक तबक भवक गए कैसे हो गए मोला को चारों तरफ जला से किसी दिख से दादा कोनो कम जला से कोनो ज्यादा चला से यहाँ बहुत देख के साथ जला थे साथ को देख के बहुत जला छोटकी देख के बड़की मंजिल देखते दोनों चल बेटा बाप पर चल बाप बेटा पर चल भाई भाई पर चल मनखे मनखे पर चल थे कतेक ला बता दे हो भगवान मार गए भालू मार गए सब कम हो गए अब डर खत्म हो गए बिजली लग गई जगह जगह अब डर है के क्षण बातें है वो आदमी मन फिर डर बातें है बस बाकी सब डर खत्म हो गए एक डर हम आज गए बस आज आदमी डर रहा थे कौन नहीं आदमी ही डर रहा थे आदमी और कौन नहीं डर रहा थे बोला डर डर है नहीं आदमी अगर डर है तो आदमी से डर है काकरो डर इसलिए आदमी अपने आप को सुधारो किसी के डर मत बनो हिम्मत देने वाले बनो आपको देख करके किसी को डर ना लगे किसी का डर ना बढ़े आपको देखकर हिम्मत बढ़े ऐसे बनो क्या है किसी को डराते रहते हो खुद डरे हुए हो दूसरे को डराते रहते हो सबके सब डर गए पूरे समाज के समाज डर गया पूरा देश डर गया क्या है व्हाट इज दिस ऐसा नहीं होता है इससे जीवन आगे नहीं बढ़ता है इससे विकास कौन सा विकास ऐसे भौतिक विकास सांसारिक विकास तो होते रहते बनते रहते हैं मकान बनते हैं लेकिन जैसा मकान बड़ा है वैसा दिल भी बड़ा होना चाहिए केवल मकान बड़ा है और दिल छोटा है तो व्यर्थ है ऐसे मकान का बनना और बनाना बेकार है मकान बड़ा हो भवन बड़ा हो हमारा निर्माण बड़ा हो कारोबार बड़ा हो तो दिल भी बड़ा होना चाहिए अपने को सब जीवों से बड़ा मानते हो हम मनुष्य हैं तो आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए ये नहीं कि शरीर जो है वो मनुष्य का है और दिल जो है वो छछूंदर का हो गया क्या मतलब दिल भी मनुष्य का होना चाहिए तो इस तरह राम को याद करोगे जैसे आपके एक कण से आज के एक कण से घास की ढेर
भस्म हो जाए, वैसे ही राम के नाम से पाप भस्म हो जाए। सियावर रामचंद्र, एक माचिस की तीली होती नहीं, ओकर से कत्तोन पहाड़ से कचरा ही ते जल के राख हो जी, इसने राम के एक नाम से जिनका पाप के पहाड़ से जल के राख हो जी। बोलो क्या समझते हो, आग बड़ी है और राम छोटा है? राम वो तेज जो है, आग में जो तेज है, जलाने की शक्ति है, उसका नाम राम है। पानी में जो शीतलता की शक्ति है, तरलता की शक्ति, उसका नाम राम है। फूलों में जो मुस्कान है, उसका नाम राम है। पत्ता पत्ता राम है, कण कण राम है, रोम रोम राम है, और सारे नाम भगवान के उस राम में समाये हैं। और राम जो है वही सब नामों की रक्षा कर सकता है। क्योंकि ये बताओ, अब ज्यादा दूर नहीं छत्तीसगढ़ में, भगवान के जितना नाम है उसका नाम में सबसे ज्यादा कौन से नाम छत्तीसगढ़ में लेते थे बताओ? इसे महाराज, छत्तीसगढ़ में भगवान के कौन से नाम लो सबसे ज्यादा लेते हैं बोलो, बता बोलो। राम के नाम ना चारों तरफ छाए है, ओकरे राज है ये, कहां बता दो मने है राम के राज। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। प्रेम यान जब तक बैठे हो यहाँ कथा में, राम राज है। इवन कोई तकलीफ है, कोई भय है, कोई शोक है, कुछ नहीं है। वो संसार के कुसंग में पड़ोगे तभी फिर से दुख होगा, चिंता होगी, परेशानी होगी। और इस सत्संग में रहोगे तो सदा आनंद में रहोगे। ये राम के नाम का प्रभाव है। ये सबके साथ इकट्ठे होकर के भी नाम ले सकते हैं, अकेले भी नाम ले सकते हैं। राम का नाम ऐसा नहीं खबे हंस अगलाबो तब होकर नाव ले वो, तब ऐसे बात नहीं है। ते अकेला तब होकर नाव ले सकता। देख राम सबके पास है, सब राम है जी। और कहा कोनो दुकालू राम है, कोनो सुकालू राम है, कोनो सुखू राम है, कोनो दुखू राम है, कोनो अमीर राम है, कोनो गरीब राम है, कोनो छोटू राम है, कोनो बड़कू राम है, फिर सब राम है। मैं साफ बता दे चल कैसे, जब अत घर राम है तत्ते हैं कौन तेनो राम, रावण थोड़े भाई कहू रामे चल सब राम है। राम मने अच्छा, राम मने भला, राम मने शुद्ध, राम मने पवित्र, राम मने एक, खत्म है, एकता ही राम है। अपने सब बात को भुला जाओ, केवल प्रेम को समझो, प्रेम को जानो, और प्रेम से रहो, और प्रेम से खाओ, और प्रेम से जियो, और प्रेम से रहो, और प्रेम से बोलो, और प्रेम से चलो, और प्रेम से देखो। बस एक सवाल है, एक शर्त है, और कुछ नहीं है। ये सब समस्या और सब चिंता और सब डर और भय से बांचे के एक तरीका है बस। क्या बताया मैं है? ऐसे क्या बताया बुला गयो ते बता जी, ते याद कर सक बता क्या के है हाथ मत भाई सवेर हास आदित्य नानून बात है ते हसा सक का बता चल चल हसा बता तो फिर वो हसा दी बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से एक बहुत ही आनंदमय स्थिति है, और वहां केवल आनंद है और दूसरी बात नहीं है। कृष्ण राधा कृष्ण का प्रेम है और ब्रजवासियों का प्रेम है, नर और नारायण का प्रेम है, और जीव और ब्रह्म का प्रेम है, यानी प्राण और ईश्वर का प्रेम है, आत्मा और परमात्मा का प्रेम है, उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण है। एक नाम प्रेम का, एक नाम रखो प्रेम का, क्या नाम है? जैसे एक सम पूछा सम है, चलो राम, राम के क्या नाम है बताओ? जो बता दिए नहीं, एक नरियर इनाम में दिए जाए। राम के क्या नाम है? राम नाम है, उसका नाम है।
पिताओं का सोचे क्या बात है बता भाई। और राम है कौन है, राम है कौन है, राम है तो कुछ दूसर है, तो राम है घलो राम है और नाम है घलो राम है, तो ऐसे मत समझ लेते नाम अलग है और राम अलग है। ते राम राम कहा था वही राम है ओकर से अलग वो राम नहीं है, मैं साफ बता दे रहा ते राम कहे नहीं वही तो राम है भैया। अच्छा बात करते हो, ते कहा था राम चक्कर से वो अलग कहा वही राम बता दूसरा वही ये बोला सर ही राम। तो राम तो साक्षात है, हा है और रहेगा, उसको लेने वाले जो है वो बदलते रहेंगे, आज हम ले रहे हैं कल दूसरे लेंगे परसों दूसरे लेंगे, लेकिन उसका नाम लेंगे उसका नाम कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, वो अमर है अजर है ब्रह्म है निराकार है निर्गुण है और क्या नहीं है जी। तो इस प्रकार से आप राम के नाम पर विश्वास करो, सब नाम जितने भी नाम हैं चाहे किसी पंथ हो मजहब के नाम हो, सब नाम की अगर रक्षा होगी तो राम के नाम से ही रक्षा होगी और किसी नाम की रक्षा नहीं हो सकती है, क्योंकि राम में ताकत है सबको एक करने की। और जगह जगह राम सत्ता, जगह जगह होते शिव सत्ता और कृष्ण सत्ता, ये सब नहीं होते, रामे सत्ता होते होते सब चारों तरफ राम छाए है राम राज है। और अटके है कि हम अलग राम राज के नागरिक बने के उपाय करना है, राम राज के नागरिक बनना है, वी हैव टू बिकम सिटीजन ऑफ राम राज, कि हम नागरिक बने राम राज के, इसके योग्य हमको बनना है। तो क्या योग्यता, व्हाट इज क्वालिफिकेशन फॉर द सिटीजनशिप इन राम राज्य, राम राज्य में नागरिकता के लिए क्या योग्यता चाहिए। निर्मल जन जो सो मही पावा मोही कपटा छला छिद्र न भावा, एक ही शर्त है कि मोला कपट छल छिद्र ये बिल्कुल निस्वाय, जो निर्मल है वही मोला पसंद है। राम राज्य का अगर इंसान बनना है तो अपने मन को निर्मल बनाओ और छल कपट को छोड़ दो त्याग दो और मन को निर्मल रखो, तभी राम जो है आपके हृदय में विराजमान रहेंगे। बस इतनी साथ इस तन की किसी के काम आ जाए, हृदय की इस अयोध्या में कि चल कर राम आ जाए, जगम्बार कांटों का कहीं कुछ फूल खिलते हैं चूहन को छेलते हैं जो उसे श्री राम मिलते हैं। लेन भाई जाओ घर जाओ जानो कई जन मन ऐसे आकिला मुझे ऐसे खाया सब करते नहीं तो लक्षण उसने दिखते। यानी वो है वो चीज है वो ज्ञान है वो तत्व है वो प्रेम है, सब जीव में है सब मनुष्य में वो प्रेम है, ऐसा कोई नहीं है जो कृष्ण से प्रेम नहीं करता, ऐसा कोई नहीं है जो राम से प्रेम नहीं करता, सभी करते प्रेम, वो प्रेम सबके भीतर है और राम माने प्रेम, और राम रावण से भी बैर नहीं करते प्रेम करते। कहा कि विभीषण को लंका दे दिया और रावण भी अगर आ जाएगा तो क्या दोगे, तो भगवान राम ने कहा उसके लिए भी मैंने सोच लिया है, पहले आए तो मेरी शरण में फिर देख लेना मैं उसको क्या देता हूं। तो विभीषण शरण में आया तो किया लंकाधीश, रावण भी शरण में आए तो करूं को सलाधीश, अगर रावण भी आ जाएगा तो मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा, कौशल देश का राजा बना दूंगा, ये राम का स्वभाव है। तो राम को समझना चाहिए, जितना समझ जाओ राम के स्वभाव को उतना ही आनंद है, आनंद के सिवा कुछ नहीं। जैसे दरिया में जैसे गर्मी बहुत हो जाते है और नदिया तरिया में उतरवे तो जैसे जैसे उतरवे तैसे तैसे यानी शीतल हो जाते शरीर है, इसलिए राम के कथा में जतके तेहा
गहराई में उतरवे उसके मन हा शांत हो जाएगा, आनंदमय शांत आनंदमय राममय राम मनोरम। राम मने सुंदर, राम मने आनंद, राम मने एक, राम मने प्रेम। क्या रामचंद्र की जय। तो कुछ मत करो, केवल प्रेम को बढ़ाओ, बस समझ जाओ तब राम को पा गए। और प्रेम नहीं आएगा जब तक मन में, तब तक राम भी नहीं आने वाला है। जब तक हृदय में प्रेम नहीं आएगा, राम भी नहीं आएगा। क्या बिना प्रेम के राम आता है? बोलो, कोई लालच में आएगा? पैसे के लिए आएगा? नहीं, वो प्रेम से आता है, प्रेम के लिए आता है। तो प्रेम माने राम बस। और अगर सुखी होना है, सब समस्याओं से निजात पाना है, छुटकारा पाना है, मुक्ति पाना है और आनंद को बढ़ाना है, तो बस राम का सहारा लेना चाहिए, राम का नाम लेना चाहिए, राम का स्मरण करना चाहिए। ये बात। और छत्तीसगढ़ में राम का विशेष प्रेम है। 14 साल के वनवास में 12 वर्ष लगभग छत्तीसगढ़ के स्तर पूरा उनका व्यतीत हुआ है, पूरा वनवास। और उनके जाने का रास्ता भी लोगों ने प्राप्त कर लिया है, किधर से राम गए हैं वन की ओर, वो सब रास्ता भी मिल गया है जिसमें राम चले हैं। जहां जहां रुके हैं, चरण उनके पड़े हैं, वहां वहां स्मरण, वहां पर वो कुछ न कुछ बना रहे हैं, वहां चरण पादुका स्थापित कर रहे हैं कि हाँ राम आए थे, उनके चरण पड़े थे, ऐसा जगह जगह। तो इस प्रकार से राम का प्रेम छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ का प्रेम राम से है। राम का मतलब प्रेम है, राम का मतलब आनंद है, राम का मतलब हिम्मत है, साहस है, और राम का मतलब एकता है। बस राम का नाम जब लेते हैं, सब एक हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, सारे भेदभाव भूल जाते हैं, सब राम के नाम में मस्त हो जाते हैं, राम मन एक हो जाते हैं। और सभी धर्म के लोग राम के नाम से प्रेम करते हैं और सभी धर्म उसमें समाये हैं। और इस प्रकार से राम का नाम माने एकता का नाम ही, राम माने एक, और राम माने एकता, एकता के साथ ही सबका संरक्षण हो सकता है। एकता बिना किसी की रक्षा नहीं हो सकती, और एकता का मतलब ही राम है। राम सबको एक कर सकता है, और महात्मा गांधी ने राम के नाम से ही देश को एक किया। रामचंद्र की जय। बिना राम के नाम के एक नहीं हो सकता, और एक नहीं होगा तो क्या होगा, ये सोचने की बात है। तो एक का मतलब है राम। जब जब संकट आएगा तो राम ही सामने धनुष बाण लेकर खड़े हो जाएंगे, राम बाण, फिर उसको कोई टाल नहीं सकता है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ताही हाथ चलो हनुमाना। ये नौजवान हनुमान बन जाएंगे, और जितने गांव के लोग हैं वो सब बानर सेना, और राम लक्ष्मण हैं, और सीता, तीनों मिलकर के वनवास में आएंगे, और सारी सेना एक हो जाएगी राम के नाम से, एक हो जाएगी। निषाद है, सबरी है, आदिवासी है, जितने भी लोग हैं वो सब के सब इकट्ठे हो गए, राम माने एक, जहाँ राम है वहाँ सब इकट्ठे हो गए। वो जिधर रह जाएंगे उधर जाएंगे, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की कीमती रतन सब बिखर जाएंगे। ये मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे। है नहीं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अच्छा, जो जो चाहिए तेवन हाथ उठाओ, तेवन हाथ उठाओ। खैर, कोई जाए जरूरत नहीं है, कब जाओ
मस्त रहो, आनंद से रहो, प्रेम से रहो, कमाओ खाओ मस्त रहो, कहीं जाने क्या जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि हिम्मत के साथ, साहस के साथ आदमी को मर्यादा के साथ ही संसार में जीना चाहिए। वही राम का रास्ता है। रावण के रास्ते को छोड़कर हमें राम के रास्ते पर चलना चाहिए। उसी का नाम रामायण है। राम और अयन अयन मार्ग, राम का मार्ग, राम का रास्ता। जैसे खिड़की हवा का मार्ग है, वात का मार्ग वातायन, वैसे राम का मार्ग रामायण या रामचंद्र की जय। तो अब सोच लो राम के रास्ते पर चलना है कि क्या करना है, कि दूसरा रास्ते पर चलना है, आपको सोचना चाहिए। ये विचारने का समय, यही समय आ गया बिल्कुल। अब निर्णय लेने का समय आ गया कि रास्ता दोनों तरफ है, एक रास्ता या रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब देखो ऐसा है कि मन को लगाओ, ऐसा बोलते इसमें लगाओ उसमें लगाओ, दस जगह बोलते हैं, दस आदमी के पास जाओगे ना तो वो कहेगा कि इसमें लगाओ, वो कहेगा इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ। अब कमा लगाओ तो सोचते हैं, दस धन सासू में मिले तो दस धन तो मन लगा कर पढ़ी, अलग अलग बतावत। अब सबे मन लगाना है, सबे चाह से मन लगाओ। जौन तोला बतावत है, वो भगवान के रूप अवतार ला बतावत है, तो उन्हें क्या कहा थे, मन लगाओ। तो सबे मन लगाओ, मन लगाओ कहा थे, कहां कहां एक धन मन, उधो मन न भय दस बीस, एक होता सुबह क्या होता वो आ रहा है। इस मन दस पर होते कि एक क्षण होते, उधो कहते एक क्षण होते, न बोले एक माननीय न देखे एक माननीय।